सो गाइस, जैसे आप फेम पे एप्लीकेशन में आते हैं तो आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है, और नीचे क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड पर क्लिक करना है। आधार कार्ड पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड का 12 अंक का जो नंबर है वहाँ पर डालना है। कैप्चा को डालकर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो आप अपने द्वारा कोई भी सिक्योरिटी पिन बनाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अलाउ वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो आपका आधार कार्ड है वो पूरी तरीके से यहाँ पर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड पैन कार्ड पर कुछ इस तरह से आपको अगर ग्लिच आता है तो आप 2 से 3 बार अपने मोबाइल नेम पे क्लिक करेंगे, और नेम पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद से अपलोड पैन कार्ड पर आपको क्लिक करना है, और आपने जो पैन कार्ड पुराने जो पहले दिए थे वही पैन कार्ड आपको ले लेना है। उसके बाद से यहाँ पर अपने पैन कार्ड का फ़ोटो ले लेना है, फ्रंट फ़ोटो लेना है। फ्रंट फ़ोटो लेने के बाद यूज़ द डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से जो आपका पैन कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स का ही पैन कार्ड अपलोड कीजिएगा जो आपने पहले किया था। उसके बाद से आई एम रेडी पर आपको क्लिक करना है। रेडी पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट जर्नी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई एम रेडी पर क्लिक कर देना है। आई एम रेडी पर क्लिक करने के बाद आपको 2 से 3 परमिशन मांगेगा, लोकेशन परमिशन, कैमरा परमिशन, माइक्रोफोन परमिशन, 3 परमिशन आपको अलाउ कर देना है, और आपको ऑन होल्ड कुछ मोमेंट तक वेट करना है, 1 से 2 मिनट आपको लगेगा। उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग रूम आएगा। यदि आप किसी कारणवश ज्वाइनिंग रूम नहीं आ पाता है, कुछ इस तरह से ग्लिच आ सकता है, तो एक बार फिर से आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इंटरनेट एरिया में जा सकते हैं। उसके बाद से आई कैन माई सेल्फ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आपका देखा जाए कितना है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। उसके बाद से यहाँ पर आपको कस्टमर केयर से लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन कोड पूछा जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आपकी स्क्रीन के दिखाई देगा, पैन कार्ड भी मांगा जाएगा, पैन कार्ड आप दिखा सकते हैं, और उसके बाद से आपको एक सेल्फी लिया जाएगा। आपको अपना सेल्फी यहाँ पर दे देंगे। जैसे आप सेल्फी कर देंगे तो कस्टमर केयर कहेगा कि आपका जो केवाईसी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और आप पर एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर, देख सकते हैं थैंक्स फॉर जॉइनिंग द कॉल, इस तरह का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद से आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। आपको अपने पेरेंट्स का कोई भी गार्जियन का मोबाइल नंबर देना है, उस पर OTP आएगा, OTP को आपको फिल कर लेना है। OTP को जैसे ही आप फिल कर लेते हैं तो आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपका विंडोज़ ओपन होंगे। लेट्स और आप वीडियो अच्छे लगे लाइक करें।